mani padme hum om 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 mani padme hum रेडी हो गए हैं आज का लोकल साइट सीन के लिए। टाइम हो रहे हैं 9:30। हम लोग काफ़ी पहले उठ गए थे बट उसके बाद फिर हम लोग आराम से फ्रेश हो रहे थे, रेडी हो रहे थे। और जैसा कि कल बताया था मैंने, यहाँ पे आप हमारे नए ड्राइवर टेक ओवर करेंगे। सो ड्राइवर साहब आ चुके हैं, कॉल कर दिया उन्होंने। 9:30 का टाइम मैंने दिया था बट अभी हम जा रहे हैं नीचे और जाके अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम निकलेंगे लोकल साइट सीन के लिए। देखते हैं क्या क्या लोकेशन हैं यहाँ पर कवर करने के लिए, और वो सारे लोकेशंस कवर करने के बाद हम लोग आपको वीडियोस बना बना के देते रहेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं डाइनिंग हॉल और वहाँ जाके देखते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में हमारे लिए क्या है। तब तक आप हमारा बैकग्राउंड व्यू एंजॉय कीजिए। कल नाइट में तो आपने देखा ही था कि कैसा होटल रूम है, उसका एम्बियंस है, बट नाउ आई विल शो यू हाउ इट लुक्स इन द मॉर्निंग। कैमरे से ही चल रहा है और यहाँ पे देखिए हमारे दो जाबाज लग गए हैं। हेलो मोनिका, गुड मॉर्निंग। इधर आलोक जी, हाय। तो यहाँ पर पूरा बफे सेट हो चुका है।
लेट्स सी क्या क्या है बफे में। यहाँ पे कॉफ़ी और चाय है, यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स भी है, टोस्टर भी है, इसमें क्या है, और इसमें है पोहा। ओके एंड इसमें क्या है, इसको उठा रहे हैं पराठे, और इसमें पराठे हैं और आलू के जी ब्रेड पकौड़ा है। आलू के ब्रेड पकौड़ा ले रहे हैं। और यहाँ लास्ट जो हमारा है वो है बॉइल्ड एग। तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए बॉइल्ड एग है, वेजिटेरियंस के लिए ब्रेड पकौड़ा है, कॉर्नफ्लेक्स है, दूध है। सो ब्रेकफास्ट आइटम में जो भी होते हैं सारे के सारे, डेट वुड बी आवर डाइनिंग। Beautiful ambience, a beautiful day, and a very healthy breakfast. So let's take breakfast. और breakfast कैसा है उसका review मैं आपको खाना खाने के बाद बताता हूँ। And let's see मुंतन क्या लिया है। Very healthy. So breakfast हम लोगों ने कर लिया है finally, और अब हम निकलेंगे। काफ़ी सारा photo session भी कर रहे थे अभी हम morning time में। काफ़ी सुंदर है actually यहाँ पे ना, garden, flowers, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी ली, इसलिए हम लेट हो गए हैं क्योंकि 10 o'clock हो चुका है। ड्राइवर ने 10 o'clock का ही टाइम दिया था, तो अब हम फ्रेश हो चुके हैं, खा पी चुके हैं, अब निकलते हैं अपने ले साइट सीइंग के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ब्रेकफास्ट जहाँ तक की बात है तो ब्रेकफास्ट अच्छा था। हम लोगों ने सारे आइटम्स आपको दिखाया, हम लोगों ने सारे आइटम्स दिखाए, सब कुछ अच्छा था। लाइट ब्रेकफास्ट करके अब हम निकल चुके हैं लाइट साइट सीइंग के लिए गाड़ी में बैठ के। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कि कहाँ से बनता है पहला मोनेस्ट्री, हम कहाँ जाएंगे वो मैं आपको एंड रूट बताता चलूँगा। सो लेट्स बोर्ड द व्हीकल। हम निकल चुके हैं साइट सीइंग के लिए और हमारे साथ ड्राइवर साहब हैं मिस्टर नुबू। अब हमारे साथ मिस्टर नुबू ही रहेंगे 3 दिनों के लिए। आज लोकल साइट सीइंग है, कल नुब्रा वैली और परसों पैंगोंग झील घूमते हुए वापस बैक टू ले। गाड़ी काफी अच्छी मेंटेन की हुई है नो डाउट। और ये रही हमारी टीम। हेलो, कैसे हो सब? बढ़िया, ऑल गुड। आलोक जी, हाउस जोश, जोश का मतलब दुआ आता है तो गाड़ियां बैठते हैं। तो सो सभी लोग काफी एक्साइटेड है आज हमारा फर्स्ट लोकल साइट सीइंग ले में। तो पहला लोकेशन कहाँ जाएंगे हम? यहाँ से हम पहला जाएंगे शे मोनेस्ट्री। तो फर्स्ट लोकेशन बता रहे हैं शे मोनेस्ट्री है। शांति के लिए बनाया जाता है, शांति बने रही। आप लोग बहुत पीस लवर होते हो नहीं? दिल्ली आए कभी? हाँ सर। कैसा लगता है दिल्ली? लोग कैसे लगे वहाँ के? वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। खाना अच्छा लगा? खाना अच्छा लगा, खाना अच्छा। आप क्या खाए थे वहाँ? सब कुछ, वहाँ तो सब कुछ मिलता है। सबसे ज्यादा मटन नाम। मुझे लगता है मटन यहाँ ज्यादा बढ़िया मिलता होगा। यहाँ पे जो
वहाँ बनाने का जो तरीका है ना वो अच्छा है। अच्छा, सिंपल ज्यादा मसाला जा रहा है यहाँ पे, मसाला नहीं डाला जाता है। अच्छा, लाइट डालेगा हर चीज। अच्छा, क्या खाने का ट्राई करना चाहिए? लोकल डिश ही खाएंगे। थुप्पा खाया, कहाँ खाया हम लोगों ने? लामायूर में निरंजना होटल है ना। अच्छा, उसमें वहाँ खाया था। मेन तो हमारा सबसे थुप्पा ही है ना। अच्छा, बाकी तो इतना हेवी है कि आप उठा नहीं पाते हैं ना। हम लोग बिहार में तो बहुत बनता है, सब फेमस बहुत है ना। चने का ना, चने का जो पीस के बनता है। चने का नहीं, यहाँ पे गेहूँ का बनता है। अच्छा, गेहूँ का बनता है, बहुत हेवी रहता है वो। आप एक बार चने का सब्जी खाइएगा, फिर जब कभी दिल्ली आएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। लिट्टी चोखा सुना है नाम? लिट्टी चोखा नहीं सुना। नहीं सुना, कोई नहीं। वो हमारा कल, हमारे वहाँ का लोकल डिश है, हम खिलाएंगे वहाँ पे। मेरी मम्मी के हाथ का खा लोगे ना बस? यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहाँ से डीजल भरवा लेंगे जब निकलेंगे ना। आई थिंक ये लास्ट ही पेट्रोल पंप है क्या अभी? अभी यहाँ मनाली तक के लिए ले से 30 किलोमीटर रेंज में आपको 2 पेट्रोल पंप मिल जाएगा हर जगह में। उसके बाद कहीं नहीं मिलेगा। टांडी सीधा। खिड़की में एक डिजाइन बनाया ना। अच्छा, इसी से बनता है, बहुत मजबूत होता है। अच्छा अच्छा, घर की छत से लेके हर चीज में इसी का यूज होता है। अच्छा अच्छा, यूलत बोलते हैं इसको। यूलत, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने जहाँ जितने हमारे गांव पड़े बीच रस्तों में हर जगह यही पेड़ मिला मोस्टली। ये ज्यादा लगाता है ना सर, क्योंकि बहुत मजबूत होता है, 2 मंजिल तक उठा लेगा सर। और ऐसे वातावरण में उग भी जाते हैं अच्छा खासा। ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, ज्यादा पानी नहीं चाहिए। पर जितना भी है लगा हुआ पेड़ नेचुरल नहीं है सर, पूरा लगाया है। अच्छा, 2 ही पेड़ है, पूरा लगाया हुआ है। बसाया हुआ है, अपने आप तो होगा ही नहीं, अपने आप तो ये सिर्फ पहाड़ और चट्टानी दिख रहे हैं बस। हम लोग अपने पहले डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, शे पैलेस एंड शे मोनेस्ट्री। तो अभी हम लोग वहां जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो लेट्स गो और देखते हैं क्या है ऊपर देखने के लिए। दिस रोड लीड्स टू द शे पैलेस। ऊपर चढ़े हैं और अभी हमें 2-3 फ्लोर और चढ़ना है, बट ऑक्सीजन की कमी साफ महसूस होती है, लेकिन इट्स नॉर्मल। और यहाँ से जो व्यू है वो वर्थ है। सो द एंटायर मॉनेस्ट्री,
हम लोगों ने मॉनेस्ट्री में बुद्ध जी के दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा लगा। और अभी हम नीचे टेंपल की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ गुरु जी कह रहे हैं कि आप लकी हैं कि वो खुला हुआ है अभी, सो हम जल्द से जल्द जाकर वहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। और ये है टेंपल, अभी जहाँ पे हमने अभी दर्शन किए बुद्ध जी के, उनके ठीक नीचे ये टेंपल बनाया गया है। तो टेंपल के दर्शन भी कर लिए नीचे से, और अब हम बाहर जाते हैं। इनके गुरु और यहाँ के संस्थापक वगैरह लगते हैं। जय पैलेस और मॉनेस्ट्री देखकर आया, बहुत अच्छा लगा हमें सबको, और बहुत ही अच्छी प्लेस थी वो। हाँ, पीसफुल, शांति थी। और हम लोगों ने खूब सारे फोटोग्राफ्स लिए, एक छोटा बेबी भी, मंदिर भी देखा हमने। और अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं रेंचो स्कूल, जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। सो वी आर मोस्ट एक्साइटेड, लेट्स सी हाउ इज द प्लेस। रैंचो स्कूल, और आपको पता ही रैंचो कौन था। सो आमिर खान ने एक मूवी की थी 3 इडियट्स, जिसमें उन्होंने रैंचो यानी रणछोड़ दास चांचड़ का किरदार निभाया था। और उस फिल्म की क्लाइमैक्स की शूटिंग ले में हुई थी, और ये वही स्कूल है। सॉरी, हम एग्जिट में एंटर हो गए। तो ये वही स्कूल है जहाँ पर शॉट्स लिए गए थे उनके स्कूल के। बाकी क्लाइमेट शूटिंग हम पैंगोंग में उसके अलग से वीडियो बनाएंगे। लेट्स गो एंड सी इनसाइड व्हाट्स देयर। वॉल हम लोगों ने देख लिया, और अब हम जा रहे हैं द वॉल पेंटिंग्स देखने। द 3 इडियट्स वॉल पेंटिंग, फरहान नाइट्रेट एंड प्री रेजुलेजिश। ओ सोने दर्स, पानी का है, नहा भी लो। अरे क्या बात है, रिमेंबर लाइफ इज रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल गेट ट्रैम्ड वायरस। सो आफ्टर विजिटिंग रैंचो स्कूल, अब हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है थिक्से मॉनेस्ट्री। तो रैंचो, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर, वेदर काफी हॉट है, हवा में ठंडक है, छांव में अच्छा लग रहा है, बट ओपन में तो जो सनलाइट पड़ रही है ना, हम लोग इतने टैन हो चुके हैं कि सबकी फोटोज इतनी औसम आ रही है, मुझे जाके दिल्ली में पता चलेगा। बट स्टिल काफ़ी अच्छा लग रहा है, और हम एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज पिछले 3 दिन से हम ड्राइव ही कर रहे थे, आज हम थोड़ा कुछ घूम रहे हैं अच्छा खासा। सो लेट्स गो टू द थिक्से मॉनेस्ट्री। सो नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम थिक्से मॉनेस्ट्री।
reach the Thiksin monastery, and here is the monastery's first look. This is the entrance gate, and you can see the monastery just there. So let's go inside and see what's there again. So this is the ticket counter, and they have taken 50 rupees per head for adults. And abhi hum enter kar chuke hain, and this is our way towards the monastery. Very neat and clean and very beautiful. And monastery mein to hai shanti aur to rahegi. तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे और काफ़ी ब्यूटीफुल भी है. कीप टेकिंग स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर, इट्स मस्ट है, एंड इट्स रियली टायरिंग, बट व्हेन यू स्टॉप आपका सारा ब्रीथ रीगेन हो जाएगा. यू विल अगेन एनर्जाइज्ड एंड यू विल फील द एनर्जी टू वॉक अगेन. So this is the best part. Let's move for our next destination. कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है.
थोड़ा टायरिंग है बट इट्स फाइन, यू कैन स्टॉप इन बिटवीन. आपको पीने के लिए हर जगह पानी मिलेगा, बैठने के लिए जगह मिलेगी. एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज यू कैन फील द पीस हेयर. सो वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी, वेल मेंटेन्ड मोनेस्ट्री एंड यू कैन एंजॉय द पीस एंड काम हेयर. जरूर आइए, बैठिए और एंजॉय कीजिए. गाइस अभी हम लोगों ने जस्ट लंच किया है क्लाउड कैफे में. ये थिक्से मॉनेस्ट्री के पास ही था. आइटम्स काफ़ी डिलीशियस थे, खाने की क्वालिटी भी अच्छी थी. बट हाँ, आई थिंक थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है एज कम्पेयर टू द अदर रेस्टोरेंट्स, बट फूड क्वालिटी वॉज गुड. और रश की वजह से थोड़ा सर्विस डिले था, वरना बाकी इट वॉज फाइन. वंस वन विजिट्स अ थिक्से मॉनेस्ट्री कैन हैव गुड डिलीशियस लंच है. So I will recommend this restaurant for you if the price doesn't matter. That's all. So we have departed from the Cloud Cafe right now, and after 25 minutes of ride from here, we will going to reach the Habis Monastery. चलिए वहाँ जाके देखते हैं. So that will be our third monastery today. So let's go. We have reached the Habis Monastery, and here is the first look of the monastery just behind me. And now we are leaving here from here for our next destination, and that is Leh Palace.
विजिटेड द लेह पैलेस एंड रीच्ड 6 PM अर्लियर. और 6 बजे से पहले पहुँच के हम लोगों ने लेह पैलेस देख लिया है, बट कुछ खास नहीं था और नॉर्मल पुराने पैलेस जैसा ही था. काफ़ी खंडर जैसा हो चुका है, उसमें कुछ खास मेंटेनेंस भी नहीं है. हाँ, लेकिन अंदर एक श्राइन, रॉयल श्राइन करके एक कमरा था जिसमें अभी भी पूजा अर्चना होती है, और हम वहाँ गए थे. और ये वहाँ पर राजा का से रिलेटेड ही कोई मॉनेस्ट्री या मंदिर जैसा ही है उनका, और बट हम वहाँ तक जाएंगे नहीं. वो वहाँ से मैंने सुना है कि व्यू काफ़ी अच्छा आता है लेह का, बट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सिटी पैलेस. के अब यहाँ से लेह पैलेस से नाउ वी आर मूविंग फॉर द शांति स्तूपा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 6:30 और 7 o'clock तक वहाँ पहुँच के हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करके सनसेट देख के वी विल कम बैक टू द लेह मार्केट. गाइज, आर यू एंजॉइंग? दीदी के चार बदल चुकी है क्या? तो यहाँ के पार्किंग में काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मतलब काफ़ी लोग आए हुए हैं अभी भी, और काफ़ी लोग थे भी ऊपर. सो लेट्स गो टू द शांति स्तूप एंड मैं अपनी अगली वीडियो वहीं से बनाऊंगा. टिल देन बाय बाय. आपको मैक्सिम होटल्स की डिजाइन और जो वो है एक जैसी लग रही है मुझे ऑलमोस्ट, और हर गलियों में इतने होटल्स हैं, इतने रूम्स हैं अवेलेबल कि मुझे लगता है अगर आप विदाउट बुकिंग भी आएंगे तब भी आपको बहुत अच्छा होटल मिल जाएगा. और ये खुले में आ गए विदाउट वेजिटेशन, लद्दाख शांति स्तूपा की तरफ हम बढ़ चुके हैं. और वो रहा शांति स्तूपा, सो देयर वी हैव टू गो. And that's the rule. Om Mani Padme Hum.
So now we are standing at the Leh market. तो इवनिंग में अपना ही मज़ा है लेह मार्केट का. और जस्ट एंट्रेंस पे आई लव लेह का एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ. इट्स अ ब्यूटिफुल मार्केट, वन कैन रोम अराउंड. और क्लीनलीनेस तो इतनी है कि मेरे ख्याल से दिल्ली के किसी भी मार्केट में इतनी साफ सफाई नहीं मिलेगी. Well managed.